उनके हाथ से मरो। अच्छा एक बात बताइए और जोर जोर से बोलिएगा, मैं दोबारा पूछूंगी नहीं। दौड़ने में आराम है कि आराम से चलने में? अरे थोड़ा पीछे वाले भी थोड़ा भैया वॉल्यूम बढ़ाओ, मतलब क्या समस्या है? जोर से बोलिए, दौड़ने में आराम है कि आराम से चलने में? आराम से चलने में आराम है कि खड़े होने में? बोलिए। हाँ अच्छा, खड़े होने में। अच्छा खड़े होने में आराम है कि बैठने में? तेजी तेजी बोलिए, इतना टाइम नहीं है कि 4 बजे तक मैं यही पूछती रहूंगी। खड़े होने में आराम है कि बैठने में? बैठने में आराम है कि लेटने में? लेटने में आराम है कि सोने में? सोने में आराम है कि मरने में? हाँ, जिंदगी में पहली बार सही जवाब दिया है, एकदम करेक्ट वाला। जिंदगी का सबसे बड़ा आराम मरने में ही है, क्योंकि जीने में सुकून कहाँ है। मस्त राम मुर्दों से बोले, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। यहाँ जो मर जाता है ना, अब मरने का दो तात्पर्य समझिएगा, या तो इस संसार से जो चला जाए मर जाए वो सुखी, या तो कोई अपने अभिमान को मार कर यहाँ जिंदा रहे वो सुखी, बाकी कोई तीसरा सुखी। जो कहता है मैं मजे में हूँ, जो कहता है वो मजे में है, या तो वो फकीर है या तो वो नशे में है इस संसार में। मरने की बात कही मारीच ने, अब माया मृग का वेश बनाया, सोने का मृग बना। भैया ये हिरन बड़ी खराब चीज है, त्रेता में तो फंसाया सो फंसाया, कलयुग तक में नहीं छोड़ा लोगों को। त्रेता में तो कुछ घंटों का मामला था, कलयुग वाला तो 20-20 साल खींच के ले गए। अच्छा ये बना भी तो कौन सा हिरन बना था? चांदी का? जोर से बोलिए, सोने का। मतलब अब ये तो समझ आ गया होगा कि सोना बड़ी अच्छी चीज नहीं है। और यहां मैं देखती हूँ भैया ये, अरे अंबानी भी सोचते होंगे एक बार कचनारिया देखा, यहाँ गोल्ड का ज्यादा इनकम है। सोना। अच्छा एक और बात बताइएगा थोड़ा, सोने की चेन पहनने में सुख है कि चैन की नींद सोने में सुख है? अब भागते किसके लिए ना, रात में बिस्तर वाली नींद के लिए कौन भागता है? उस नींद को छोड़कर इस सोने के लिए भागते हैं। एक सोना छोड़ते हैं दूसरे सोने के पीछे भागते हैं। बुरा मत मानियो, ये मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, ये तो संतों ने कहा। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, और कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया ना सोना। जब आपके लॉकर में सोना ज्यादा हो जाता है ना, तो बिस्तर वाला सोना कम हो जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और हम भली प्रकार से जानते हैं कि आराम किस में है। चीजें देखिए, एकत्र चीजें उतनी ही होनी चाहिए कि आपका सुकून ना जाए। हम आजकल चीजें इतनी ज्यादा एकत्र कर लेते हैं, हमें लगता है इकट्ठा करने में सुख है, पर सही बता रही हूँ, इकट्ठा करने में सुख नहीं है, बाद में दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है। जैसे आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो, एक आपको भरा झोला दे दिया जाए और या तो आपको खाली झोला दे दिया जाए, अब व्यक्ति पहले भरा झोला उठाएगा, उठाएगा कि नहीं उठाएगा? पर उठा के तो जाएगा, लेकिन अब कह दिया जाए भैया रास्ते में जो चीजें तुम्हें काम की मिले रखते जाओ। अब जब वो भरना शुरू करेगा ना, तो भरते 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 एक समय ऐसा आएगा कि इसका चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चलना भी मुश्किल हो जाएगा। एकत्र उतना ही किया जाए जिसका जीवन में उपयोग हो सके। और ये मत सोचिए कि बनाए हम और इसका आनंद ले, बेटा ले ले, पोता ले ले, पर पोता ले ले, अरे इतना दूर तक जाने की जरूरत क्या है?
इतने दूर के बीच में आप चलो काम भी करो, आप चलो धन भी इकट्ठा करो, सब कुछ करिए। और एक निवेदन करूं, अगर आपके पास आपके सत्कर्म नहीं है तो सब कुछ कमा के भी आप